और ये पूरा मुद्दा ये भी दिखाता है कि जब रेलवे में ही लाखों पद खाली हैं, तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति पत्र बांटने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। पहले जो काम डाकिया करता था, आज वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सब मार्केटिंग का कमाल है। वैसा ही देश बनाने की कोशिश है, जहाँ पे कि देश के नौजवान जो है शिक्षा से दूर रहे, पढ़ाई से दूर रहे, क्रिटिकल थिंकिंग से दूर रहे, तार्किक बहसों से दूर रहे, सब जो है अनुभक्त बन जाए, सब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, जो दिन रात टीवी अखबार में दिखाया जाए उसके जरिए मानसिक गुलामी का शिकार हो जाए, भीड़ का हिस्सा बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने रेलवे की कुछ भर्तियां निकाली, लेकिन अभ्यर्थी गुस्से में है कि इतने इंतजार के बाद इतनी कम भर्तियां क्यों निकाली गई। और ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक बार फिर छात्र सड़क पर उतर आए हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मीडिया में इस तरह की खबरों को कोई स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन आपका चैनल पब्लिक मीटर इस मुद्दे को हमेशा उठाता आया है। और अब चूंकि भर्तियां निकली हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी आवाज उठाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता जुड़े हैं, बेरोजगारों के नेता जुड़े हैं, जो लगातार बेरोजगारों की आवाज शायद देश में सबसे ज्यादा उठाते हैं। युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अनुपम जी, रेल मंत्री कहते हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां हमने थोड़े समय पहले की थी, तो फिर छात्र क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं? देखिए, इसमें ये रेल मंत्री जी ने जो एक जवाब दिया है सार्वजनिक रूप से अभी चल रहे प्रदर्शनों के संदर्भ में कि हमने 1.5 लाख नौकरियां दी है पिछले 1 साल में, इसमें एक तथ्यात्मक त्रुटि है। त्रुटि ये है, और ये बात हर किसी तक पहुंचना चाहिए, कि ये जो 1.5 लाख नौकरियां देने का दावा ये कर रहे हैं, ये असल में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो भर्तियां निकाली गई थी ग्रुप डी और एनटीपीसी की, उन भर्तियों को लगभग 5 साल का पूरा कार्यकाल खपा के अपना पूरा किया है। तो ये 1 साल की भर्ती नहीं है, ये 5 साल की भर्ती है। सबसे पहली बात ये तथ्यात्मक त्रुटि उनके बयान में, मतलब 5 साल में जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई उसे रेल मंत्री कहते हैं कि हमने हाल ही में भर्तियां की हैं। हाँ, तो ये इन्होंने जो नियुक्ति देने में जितना समय लगाया है उसी को ये भर्ती कह देते हैं कि हमने 1 साल में इतने इतनी नौकरियां दी, जबकि वो नौकरी फरवरी 2019 जनवरी 2019 में निकली थी। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना समय लगा है इन भर्तियों को पूरा करने में। ये बड़ा बहुत ही दुख की बात है कि किसी सरकार को नौकरी जैसे इतने महत्वपूर्ण इश्यू पे, जहां पे कि बेरोजगारी बिल्कुल एक राष्ट्रीय संकट बना हुआ है, वहां पे कि भर्ती देना कब सूझता है, चुनाव से ठीक पहले, और भर्ती पूरी कब करते हैं, अगले चुनाव से ठीक पहले। तो आप समझिए, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने पंचवर्षीय योजना बना दिया है। 2019 के बाद से 20, 21, 22, 23 कहीं पे कोई भर्ती नहीं निकली रेलवे की। रेलवे हमारे देश में सबसे बड़ा इंप्लॉयर है पब्लिक सेक्टर में, करोड़ों युवा हैं जो सपना देखते हैं, जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं कि रेलवे के जरिए वो अपना अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देंगे, देश के विकास में योगदान देंगे। लेकिन इस सरकार की जो नीति रही है वो युवा विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है। और अभी जिस विशेष विज्ञापन को लेकर हमने विरोध किया है कि आपने जो पद विज्ञापित किए हैं उसकी संख्या बहुत कम है, वो है असिस्टेंट लोको पायलट का। तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एक पोजीशन होता है, जिसके लिए पिछली बार जो भर्ती निकली थी वो 2018 में निकली थी। अभी जो मैं बात कर रहा था ना, वो 2019 फरवरी की, वो ग्रुप डी और एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की बात कर रहा था। ये है एएलपी की भर्ती, असिस्टेंट लोको पायलट की, रेलवे में ये भर्ती निकली थी 2018 में, मतलब 6 साल पहले। तो आप ध्यान दीजिए इस बात पे, 6 साल से एक भी भर्ती नहीं निकली है असिस्टेंट लोको पायलट की। 6 साल बाद आप भर्ती निकालते हैं, और निकालते हैं तो कितने पदों पे निकालते हैं, 6,000 पद भी नहीं निकाल रहे। और इसी रेलवे में लगभग 5,696 पद हैं जो आपने निकाला, वो भी 6 साल के बाद। और इस 6 साल में कितने लाखों युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, जो ओवर एज हो गए। तो भर्ती तो नहीं आई लेकिन उम्र निकल गई। इस कारण से हम मांग कर रहे हैं कि जहां जाए, इसकी तो देखिए प्रवीण भाई, इसकी एक नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सिर्फ केंद्र सरकार की भर्तियों में नहीं, केंद्र हो चाहे राज्य हो, हर जगह होना चाहिए कि जब भी आप किसी विभाग के किसी विशेष पद के लिए भर्ती में देरी करते हैं, तो अगर आपने 2 साल की देरी कर दी है, 2 साल विज्ञापन नहीं निकाला है, 2 साल बाद निकाला है, तो आपको 2 साल का एज कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो इसमें कुछ उनकी एज क्या कोई, थी जो 2 साल नहीं, एज का कोई छूट दी गई इस भर्ती में कोई उम्मीदवारों को? अभी मुझे अभी 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 तुरंत आपसे बातचीत से 5 मिनट पहले खबर मिली है कि रेलवे ने हम लोगों की मांग के और हमारे प्रदर्शन और आंदोलन के दबाव में अभी ये माना है कि हम एएलपी की भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट देंगे। तो ये तो एक मायने में एक आंशिक जीत है। जितने भी
बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे से मांग कर रहे थे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का भी, रेलवे का भी, कि कम से कम इतना तो आपने मान लिया है अभी, लेकिन ये बिल्कुल आंशिक है। आपने भी मुलाकात की थी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से, खान सर वगैरह कई सारे टीचर्स मिले थे, तो क्या भर्तियों की संख्या भी सरकार बढ़ा सकती है या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है? देखिए, उम्मीद तो रखना चाहिए कि सरकार बढ़ाए भर्तियों की संख्या, इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि ये जो विषय है ना, रोजगार और नौकरी, और ये जिन लोगों को सीधा इफेक्ट करता है, सरकार को उनकी ताकत का अंदाजा है। आपको याद होगा 2022 में जब ग्रुप डी एनटीपीसी को लेकर मांग की हुए थे, तो सरकार का जो शुरुआती रिएक्शन था, इनिशियल प्रतिक्रिया जो थी, वो ये था कि जो लोग प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं उनको अब हम नौकरी नहीं देंगे, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन तुरंत सरकार को समझ में आ गया कि भाई यहाँ आप जो है ना, उस ढंग से डील नहीं कर सकते जिस तरह से आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से डील करते हैं। तो सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, युवाओं का देश है, और युवाओं के भविष्य से जुड़े किसी मुद्दे पर अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो सरकार ज्यादा दिन तक उनकी कोई राजनीतिक सत्ता बचेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार सुनेगी, बिल्कुल वाजिब मांग है, सुनना चाहिए, और जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक हम इस प्रदर्शन को, इस मांग को, इस आंदोलन को और परत दर परत आगे बढ़ाते जाएंगे तरीके से, उस दबाव को बढ़ाते जाएंगे इस उम्मीद में कि सरकार इस पर सुने। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार ऐसी सरकारें रह नहीं पाएंगी ज्यादा दिन। एक और भी सवाल है कि रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई ऐसी खबरें आती हैं कि लोको पायलट की ड्यूटी खत्म हो गई तो ट्रेन खड़ी करके चला गया, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मजाक दिखाई देता है। ऐसे में 5,696 लोको पायलट की भर्ती निकालना आपको लगता है कि पर्याप्त है या फिर कितनी मात्रा में भर्तियां होनी चाहिए? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। देखिए, रेलवे में दो अलग अलग माध्यमों से जो आंकड़े आए हैं अभी हमारे समक्ष, एक आंकड़ा ये कहता है कि 3,14,000 पद हैं जो रिक्त हैं रेलवे में, स्वीकृत है लेकिन रिक्त है, मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ में से जो वैकेंसीज है। एक और आरटीआई का डेटा है जो ये कहता है कि 2,74,000 पद रेलवे में रिक्त हैं, और उन 2,74,000 में से 1,70,000 हैं जो सुरक्षा श्रेणी के पोस्ट हैं, सेफ्टी के पोस्ट हैं। अभी आपने दुर्घटना का जिक्र किया, अब हमको ध्यान में होगा कुछ महीने पहले पिछले साल बालासोर में उड़ीसा में कितनी दर्दनाक दुर्घटना हुई थी, कितने हमारे कितने देशवासियों की जान चली गई थी उस दुर्घटना में। इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती, और सुरक्षा श्रेणी में 1,70,000 पद रिक्त हैं। रेलवे में चार चार पांच पांच लोगों का काम दो तीन एक लोग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। आप कहीं रैंडम में एक सर्वे कर, आपको हम मैं एक सजेशन देता हूँ, आप हम सब ट्रेनों में सफर करते हैं, कभी मौका मिले किसी छोटे से छोटे हॉल्ट या किसी रेलवे स्टेशन पे जाके, रेलवे कर्मचारी जो स्टेशन मास्टर होगा, स्टेशन मैनेजर होगा, उससे जाके मिलिए, उनसे पूछिए कि आपके यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, ये सवाल पूछिए। मतलब आपके रेलवे स्टेशन पे कितने स्टेशन मास्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोस्ट की बात करता हूँ, जिनकी स्वीकृति मिली हुई है कि यहाँ पे इस स्टेशन के सही परिचालन के लिए इतने स्टेशन मास्टर होने चाहिए, वो आपको बताएंगे कि हमें तो स्वीकृति मिली हुई है कि 15 स्टेशन मास्टर होने चाहिए। फिर आप पूछिए कि और अलॉटमेंट कितना है, तो आपको पता चलेगा कि 6 है, 5 है, 7 है। ये हालत है, तो जी क्यों दबाव में काम नहीं करेंगे, क्यों तनाव में काम नहीं करेंगे? और रेलवे के लिए तो दावा किया जाता है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रेलवे का काम बढ़ रहा है, रेलवे में रेवेन्यू बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम क्यों हो रही है? रेलवे में पदों को भरने की बजाय उल्टा पदों को नष्ट क्यों किया जा रहा है? रेलवे में खत्म किया जा रहा है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या तर्क है? तो जैसा आपने कहा कि अभी पिछले महीने मेरी एक बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के साथ, और उनसे मैंने इन सभी विषयों पे काफी विस्तार से उनसे उनसे बात किया, उनके समक्ष जो अपनी हमारी चिंताएं हैं उनको रखा, और हमारी जो मांग है जो ये इन पदों को भरे जाने की, इसको भी रखा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ विज्ञापन तो आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 5,696 पदों की जो भर्ती निकाली गई है, ये बिल्कुल पीनट्स की तरह है, ये मजाक की तरह है, इस संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और रेल मंत्री जी का ये तर्क पर्याप्त नहीं है कि हम हर साल भर्ती निकालेंगे इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या कम है। इसी तरह की बात 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी की गई थी, उस वक्त पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि रेलवे के जरिए अगले 2 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। ये फरवरी 2019 में भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 2 साल में सिर्फ रेलवे के माध्यम से 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये रहा कि वो चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया, चुनाव जीत लिया, और उसके बाद अगले 2 साल में 4 लाख नौकरी देने की बजाय अगले 5 साल में 1.5 लाख नौकरी देकर, उन 1.5 लाख नौकरियों को पिछले 1 साल का बताकर, अब कह रहे हैं कि अब हम अगले साल दर साल भर्ती निकालेंगे, मतलब 2018 19 की, इसलिए अभी मतलब 2018 19 की नौकरियां अब दी गई हैं और उनको रेल मंत्री गिना रहे हैं।
और उनको गिना रहे हैं, और आगे के लिए कह रहे हैं कि अब हम हर साल भर्ती निकालेंगे, इसलिए अभी कम निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हर साल भर्ती निकालेंगे, देखिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड वादे पूरे करने का जो है वो तो बहुत खराब है, रेलवे में भी बहुत खराब है। तो ये तो बात की बात है, हर साल भर्ती निकालेंगे तो कोई एहसान करेंगे नहीं, हर विभाग को निकालना चाहिए, हर साल भर्ती निकलना ही चाहिए। नहीं निकल रहा है तो वो आप पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो भर्ती निकालना कोई बहुत एहसान वाली बात नहीं है, मुझे उस पर भी डाउट है कि हर साल आप भर्ती निकाल पाएंगे। लेकिन मान भी लेते हैं अगर कि आप हर साल भर्ती निकालेंगे, तो 6 साल से एएलपी की भर्ती नहीं निकली थी, आप उन 6 साल का ही कॉम्पनसेट करने लग जाएंगे तो कितनी कितने बड़े तादाद में आपको नौकरी देना पड़ जाएगा, वो देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार सुने, मैं सरकार से आपके माध्यम से भी मांग करना चाहता हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस बातचीत को जो शीर्ष अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उन तक भी पहुंचाए इस बात को, और बिल्कुल संवेदना के साथ, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ, बिना कोई इसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट होने की तो बात यहाँ है नहीं। देखिए हम लोग तार्किक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड बात कर रहे हैं, इसका उनके पास कोई सॉलिड तर्क है हमारी बात को काटने का तो वो तर्क दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगेज करेंगे, संवाद करेंगे। अगर उनके पास कोई सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है मेरी बातों को काटने का, तो इस पर बिल्कुल जल्द से जल्द अविलंब सुनवाई करें, और देश के युवाओं का सिस्टम के प्रति बिल्कुल, जो हालात विश्वास तो है रेलवे के उसको ऐसे कि पुनर्वापस। पिछले महीने मैंने एक खबर देखी कि यूपी में एक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी कर दी गई कि ड्राइवर की शिफ्ट खत्म हो गई, उसके बाद दो ट्रेन खड़ी थी एक साथ, उसके बाद लखनऊ से नया लोको पायलट आया, तब जाकर 3 घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन चल पाई। तो ये हालात हैं और भर्तियां नहीं की जाती। इसके अलावा क्या एक और राजनीति हो रही है सरकारी भर्तियों के नाम पर, जैसे कि 5 साल पुरानी भर्ती अब पूरी की जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र बांटा जाता है और कहा जाता है, हेडलाइन बन जाती है कि देखिए 1.5 लाख नौकरियां दी, 50,000 नौकरियां दी। इस राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये देखिए नई बात है कि निंजा इस वक्त टेक्निक है नौकरियां जो बांटने की। सरकार इस वक्त जो सरकार है हमारे देश में, इनके हाथ में भारत की मीडिया मशीनरी का पूरा नियंत्रण है, देश की मीडिया तंत्र जो है वो इनका प्रोपेगेंडा तंत्र बन चुका है। तो अब ये जो कहें सो सही, वो मामला हो गया है। ये जिनको नियुक्ति पहले से मिली हुई है उसको भी बुला के नियुक्ति पत्र बांट देते हैं, उसको भी नई नौकरी बना देते हैं, और पूरे देश को मानना पड़ता है कि नई नौकरी दे दिया है। तो इससे तो देखिए लड़ने का, इतने बड़े प्रोपेगेंडा मशीनरी से लड़ने का तो संसाधन हम जैसे लोगों के पास नहीं है। हम जैसे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ये है कि एक सोच है, विचार है, विजन है। हम जैसे लोगों के पास संघर्ष करने की क्षमता है, हम जैसे लोगों के पास निडर होकर लड़ने की क्षमता है। हम वो काम जो कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। ये जो बुलवा ले वो गांव गांव तक तो पहुंच जाता है, हम सच बोलते रहे तो 5 लोगों के बीच घूमता रहता है, आज की सच्चाई तो यही है। तो ये नौकरी रोजगार के विषय पे तो ये सरकार फेल हो गई है। इसमें इसमें दुनिया की कोई ताकत इस बात के लिए मुझे कन्विंस नहीं कर सकती है कि इस वक्त भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो दुनिया के सबसे युवा देश के बेहतर भविष्य के लिए रोजगार के अवसर देने का जो काम था उस पर खरी उतरी है, ये मैं नहीं मान सकता। ये बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है इस सरकार का, और फेलियर से भी ज्यादा बड़ा फेलियर ये है कि ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि बेरोजगारी इस वक्त हमारे देश में चरम पर है, देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लेबर फोर्स श्रिंक हो रहा है, और जो मिनिमम काम, न्यूनतम जो किया जा सकता था वो है सरकारी नौकरियां समयबद्ध ढंग से देने का। इससे देखिए रोजगार, बेरोजगारी का जो इतना बड़ा संकट है वो पूरी तरह से दूर नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना होगा कि कम से कम नौजवान में, जो देश का यूथ है, उसमें सिस्टम के प्रति एक अविश्वास पैदा नहीं होगा अगर ये पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो है ये सही ढंग से, समयबद्ध ढंग से, ईमानदारी से लगातार दिया जाए, तो वो भी कम से कम सरकार करे। तो अब ये छात्र कितनी भर्तियों की मांग कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह पटना में हुआ, दिल्ली में भी कई जगह पर हुआ और कई शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे भर्ती, तो कितनी भर्तियां चाहते हैं फिलहाल? देखिए हमारी बड़ी स्पष्ट मांग, अगर एक आंकड़ा कहता है कि रेलवे में 3,14,000 पद रिक्त है, और एक दूसरा आरटीआई का आंकड़ा कहता है कि रेलवे में 2,74,000 पद रिक्त है, सबसे पहले तो रेल मंत्री को बताना चाहिए कि आज की तारीख में रेलवे में कितने कितने पद रिक्त हैं। वो 3 लाख के इर्द गिर्द ही होगा जो भी, और अगर 3 लाख के इर्द गिर्द पद रिक्त पड़े हुए हैं तो उनको तुरंत ना भरने का कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता है। 3 लाख वैकेंसी तो अगले 24 घंटे में निकाल देना चाहिए रेलवे को। कैसे चल रहा है रेलवे अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ में वैकेंसी है? आप इस लॉजिक को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेलवे में नई नौकरी दी जाए, मैं ये कह रहा हूं रेलवे में जो नौकरियां हैं लेकिन रिक्ति है, इसको पहले हम लोग सही ढंग से समझे। ये नई नौकरी नहीं है, ये नई बिल्कुल नहीं है, ये रेलवे को चलाने के लिए, अगर रेलवे चल रहा है इस वक्त तो इन पदों पे मैन पावर होना चाहिए, नहीं है तो घोर चिंता का विषय है, इसको तुरंत भरा जाना चाहिए। अगर 3 लाख के करीब पद रिक्त हैं तो 3 लाख वैकेंसी जो है रेलवे को तुरंत निकालना चाहिए।
अच्छा अनुपम अगले जी, और 24 घंटे में निकालेंगे। एक और सवाल था कि ये जो लाखों पद खाली हैं, तो क्या ये जो आहिस्ता आहिस्ता भर्ती निकाली जा रही हैं, कम की जा रही हैं, फिर तो क्या ये निजीकरण की तरफ ले जाने का रास्ता है कि पहले भर्तियां कम की जाएंगी, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, उसका यही कारण ही है। रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है और भारतीय रेल को एक झटके में किसी एक बड़े पूंजीपति को नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन जो किया जा सकता है वो ये कि रेलवे की अलग अलग सेवाओं को बारी बारी से टुकड़ों टुकड़ों में जो है उसका निजीकरण किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि कैसे रेलवे के अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स को अलग अलग पूंजीपतियों को धीरे धीरे सौंपा जा रहा है। और रेलवे की इस वक्त तो सिर्फ जो टेक्निकल ऑपरेशंस का जो काम है वो रेलवे के हाथ में है। सही मायने में कमर्शियल जो डिपार्टमेंट है उसको भी आउटसोर्स किया गया है। जो टिकट बेचने का काम करते हैं, जो रिजर्वेशन का काम होता है, वो देखिए वो सब भी आउटसोर्स हो रहा है। ट्रेनों में जो सेवा आपको जो मिलती है वो सब भी आउटसोर्स हो रहा है। खान पान से लेकर बाकी सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे और जो रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या फिर इरकॉन है, ऐसी कई सारे सब्सिडियरीज हैं जिन सबको बारी बारी से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इसके पीछे तो असल बात यह है कि नौकरी नहीं देना सरकार की एक नीतिगत समझ का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी खराब आ गया इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। कई बार हमारे साथी, हमारे मित्र, कई ये जो शिक्षक सब हैं, इन लोगों को भी या तो समझ नहीं आता या फिर बड़े नादान है या फिर शायद डर लगता है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने में, तो कहेंगे कि ये अधिकारी बड़ा खराब आ गया, अधिकारी ही गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं होता है। ये सरकार की आप जब नीति निजीकरण के और रास्ते से राजनीति, नौकरियां मिलेंगी तो फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है? वैसा ही देश बनाने की कोशिश है जहां पे कि देश के नौजवान जो है शिक्षा से दूर रहे, पढ़ाई से दूर रहे, क्रिटिकल थिंकिंग से दूर रहे, तार्किक बहसों से दूर रहे, सब जो है अंधभक्त बन जाए, सब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएं, जो दिन रात टीवी अखबार में दिखाया जाए उसके जरिए एक मानसिक गुलामी का शिकार हो जाए, भीड़ का हिस्सा बन जाए, इसी तरह से चलाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी पावर में होते हैं वो चाहते हैं बेरोजगारों की बड़ी फौज, बड़ी भीड़ अगर आपके साथ खड़ी हो जाती है किसी भी काम में, आप कितने ताकतवर हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं। तो एक तो बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है और जितने बेरोजगार हैं उनकी भीड़ को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ये तो बहुत खतरनाक है, देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। जो लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और रोजगार के अवसर नहीं देते हैं, वो तो बिल्कुल, वो तो दोहरी बात कर रहे हैं उनमें, वो तो हिपोक्रेसी है पूरी तरह से। राष्ट्र निर्माण बिना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हो ही नहीं सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारी के माध्यम से रखे जा रहे हैं उन्हें भी सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता, रेलवे हो या कोई डिपार्टमेंट हो? नहीं, मेरा तो मानना है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाने का कोई अर्थ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जी बिल्कुल, पे सिर्फ वो काम दिया जाना चाहिए जो सीजनल नेचर का है, कोई भी काम जो पेरेनियल नेचर का है, कोई भी काम। उदाहरण के लिए शिक्षक का काम है, मान लीजिए शिक्षा का काम तो साल भर होना है ना, शिक्षा का काम सिर्फ मानसून के तो सीजन में नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई ये कहता है कि कोई इस तरह का काम है जो सिर्फ जाड़े में होना है, सिर्फ मानसून में होना है, सिर्फ पर्टिकुलर महीने में होना है, सिर्फ कुंभ मेले के समय होना है, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है आप वो काम कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे किसी को देते हैं समझ में आता है। लेकिन जिस काम का नेचर ऐसा है कि वो जनवरी से दिसंबर तक वो काम किया जाना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया क्यों जा रहा है? वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि बाकी और कई तरह के जो कंप्लाइंसेज हैं उसका बिल्कुल वायलेशन किया जाए, उसके लिए शॉर्टकट बनाया जाए, डिग्निफाइड जॉब रोजगार दे भी दिया और डिग्निटी नहीं दी, ऐसा काम किया जा सके जिसको जब मन किया हटा दिया, जिसको जितने अपमानजनक ढंग से रोजगार दे सके दे दिया। ये सब तरीके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब देने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर वो बिल्कुल पेरिनियल नेचर का जॉब है तो। तो अभी तो राम लहर चल रही है देश में, आपको लगता है कि रेलवे अभ्यर्थियों की मांग सुनेगी सरकार, क्योंकि मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं इस बात की? देखिए, मीडिया में तो किसी भी ऐसे विषय की चर्चा नहीं होती है जिससे सरकार पर सवाल उठ रहा हो, और जिस दिन सरकार सुनेगी उस दिन मीडिया में थोड़ी चर्चा आएगी कि सरकार ने कुछ लोग जो मांग कर रहे थे उनकी बात सुन ली है। तो ये तो आज के देश के सिस्टम की हकीकत है। और मुझे लगता है कि एक देश के युवाओं का बड़ा वर्ग है जो इस बात को समझ रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो सच्चाई है। इस पर अब चर्चा करके क्या फायदा, इस पर बस इसका समाधान निकालने की जरूरत है। और समाधान जो है वो देश के युवाओं की एकजुटता में है, वो देश के नागरिकों के सामूहिक संघर्ष में है, और वो रोजगार जैसे विषय पर जब होगा तो और बेहतर ढंग से देश का भविष्य बनेगा। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए और रेलवे अभ्यर्थियों की आवाज उठाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार सुनेगी, क्योंकि इन अभ्यर्थियों में पीएम मोदी के समर्थक भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब सत्ता के विरोधी होते हैं, सत्ता के समर्थक भी रेलवे की परीक्षाएं देते हैं, तमाम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। और ये पूरा मुद्दा ये भी दिखाता है कि जब रेलवे में ही लाखों पद खाली हैं,
तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति पत्र बांटने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। पहले जो काम डाकिया करता था आज वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सब मार्केटिंग का कमाल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार रेलवे भर्तियों की मांग सुने और भर्तियों को पंचवर्षीय योजना न बनाए। आगे भी बेरोजगारों की आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।